हेलो गाइस, स्वागत है आपका देसी बकवास टेक में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने चोट पे से बैंडेज को कैसे हटा सकते हैं, पट्टी को, बिना दर्द खाए, क्योंकि वो चिपक जाती है चोट के साथ। तो इसे हटाने के लिए मैं तीन चीज यूज कर रहा हूँ, एस्टास्प्रिन जो कि पाउडर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एंटीसेप्टिक लिक्विड। मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाथ के हाथ रिएक्ट करता है, मतलब डेड स्किन के साथ, और यही हमारा पर्पज है कि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो डेड स्किन के साथ रिएक्ट करता है और उसे हटा देता है। ये देखिए चिपक गई है मेरी चोट इसके साथ, तो अब इसे उतारने के लिए हम इस पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको जरा सा भी दर्द नहीं देने वाली, बल्कि आपको इसमें मजा आएगा क्योंकि आपकी जो बैंडेज है वो बड़े प्यार से उतरेगी। तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब डालेंगे तो स्किन डेड स्किन के साथ रिएक्ट करेगी कुछ इस तरह से। तो डालना स्टार्ट कर रहे हैं कॉटन में भिगो के, कॉटन से ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं। ये देखिए आप व्हाइट व्हाइट जो देख रहे हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेरी सिर्फ डेड स्किन के साथ रिएक्ट कर रही है। देखो बाहर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिरी है वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रही है, वो सिर्फ मेरी डेड स्किन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो इस कारण ये चोट से उतरना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं, अब घाव के अंदर अंदर आपको डालते जाना है। ये ध्यान रहे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव तक पहुंच रही है, क्योंकि इसके ऊपर जो बबल्स बनने स्टार्ट होते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वहीं रुक जाती है। तो देखिए प्यार से उतरने लगेगी, आराम आराम से इसे सोख लेना है। जब बबल्स बने बबल्स को हटा देना है थोड़ा थोड़ा और फिर से डालनी है ताकि वो अंदर तक पहुंच जाए। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब रिएक्ट करेगी तो आपके सारे डेड स्किन को हटा देगी, डेड स्किन जो किसी काम की नहीं है उसे रिएक्ट करके हटा देगी। और वो डेड स्किन ही है जो आपकी चोट के साथ चिपक जाती है, बैंडेज को चिपका देती है, यानी कि ग्लू का काम करती है। तो इसे हमने इस पर लगा दिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, और ये धीरे धीरे उतरना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए मेरी किसी भी स्किन के दूसरे हिस्से से रिएक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ डेड स्किन के साथ। ये उतरने वाली है और ये थोड़ी सी रह गई है। कमान ये लीजिए, इस तरह से आप उतार सकते हैं। अब बात यह है कि अब जो चोट है उस पर दोबारा बैंडेज लगाएंगे तो वो फिर से चिपक जाएगी। तो इसके लिए अब हम जो यूज कर रहे हैं वो है एंटास्पिरिन, पता नहीं इस तरह का जो पाउडर है जिसे हम एंटीबायोटिक पाउडर स्प्रिंकलिंग पाउडर कहते हैं। ये बेड श्योर को ठीक करने के लिए यूज होता है। तो हम सेवलन से पहले इसे साफ कर लेंगे ताकि हम वो पाउडर को अप्लाई कर सकें। और ये देखिए इस पाउडर को हम थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। ये इसीलिए बना होता है, ये बेड श्योर से हुए छालों को भरने के लिए यूज होता है। ये एंटीसेप्टिक है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक तरह की हम आर्टिफिशियल खुरंड जिसे कहते हैं वो बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये मैंने घाव को भर दिया है, यदि घाव में ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आप खून के ऊपर से मत डालना, इसे गीला नहीं करना है। ये मैंने डाल दिया है और एक्सेस पाउडर को हम कॉटन से हटा देंगे। ये देखिए, और जब आपके घाव में से लिक्विड निकलेगा वो उसे सोख लेगा और एक तरह की कुरंट बनने लग जाएगी, और इस तरह से आपका घाव भी बंद हो जाएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यदि आपको किसी मदद करी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। थैंक यू।